गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको विशेष रूप से स्टूडेंट्स को एड्रेस करूँगा और बड़े लोग भी सीख सकते हैं। आजकल भाषा सीखने का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत में कहूँगा, हिंदी, संस्कृत और बाद में अंग्रेज़ी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और आगे भी कुछ राज्य हैं ऐसे जहाँ की मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषा नहीं थी। हिंदी का बोलबाला रहा, संस्कृत साथ साथ तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज के रूप में चलती रही और फिर अंग्रेजी, मॉडर्न लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी आई। गुजरात में बच्चे अपना माध्यम गुजराती बनाते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बनाते हैं, पंजाब में पंजाबी बनाते हैं। उन भाषाओं की अपनी लिपि भी है और वो उनकी शिक्षा का माध्यम भी रहा लंबे समय से। अंग्रेजी के बाद अगर वहाँ चलन देखा जाए तो हिंदी से पहले उनका स्थान आता है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक भाषाएं सीखा जाए। आजकल बच्चे जापानी और चीनी भाषाओं को सीखने की जो कक्षाएं हैं वो अटेंड कर रहे हैं, उन भाषाओं सीखने लालायित हैं और रोज़गार का साधन बन रही हैं। तो भाषा से लगाव या लगाव, हालांकि यद्यपि हमारी वाल्दो जो हमारी राष्ट्रभाषा है, मदर टंग है, मातृभाषा है, हिंदी है, पर हमें अब अन्य भाषाओं को सीखना पड़ेगा। एक व्यक्ति को बहुभाषी बनना पड़ेगा, उसको रोज़गार प्राप्त करने अलग जगहों पर जाना पड़ता है, अलग देशों में जाना पड़ता है, प्रदेशों में जाना पड़ता है। तो भाषा ही मजबूती उसके लिए बहुत ज़रूरी है रोज़गार प्राप्त करने के लिए और वहाँ सर्वाइव करने के लिए। मैंने पहले भी एक बार कहा था वीडियो में कि भारतीयों को लगभग हिंदी तो सभी को सिखा देनी चाहिए, वो किसी प्रदेश के हों। देखने में आता है जिन स्टेट्स की, प्रदेशों की में हिंदी चलन में नहीं है, ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज है, जहाँ क्षेत्रीय भाषा है, उनके IAS अधिकारी भी जो दूसरे राज्यों में पोस्टेड होते हैं, पदस्थापित होते हैं, तो उनको हिंदी बोलने में आजीवन, मैंने देखा है, जिनका परिचय करवाया जाता है, ये चीफ सेक्रेटरी है, सीनियर IAS है, ये जॉइंट सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी है, परंतु हिंदी के नाम पर वो बोलते टाइम लड़खड़ाते रहते हैं। जैसे एक प्रकार से अभी मानिए कि उनके अंदर उच्चारण की अशुद्धि, तो मैं नहीं कहूँगा उसे, परंतु हकलाना एक प्रकार से वो, और उम्र भर उनमें मेरा आज यही सुबह टॉपिक एक आ गया, यानी और कॉन्फिडेंस के साथ साथ टिमिडिटी एंड सेफ डिस्टेंस, यानी एक प्रकार से वो लोग मैं देखता हूँ बड़ा संकोच करते हैं जब बात करते हैं, तो टिमिडिटी एंड सेफ डिस्टेंस उनका एक प्रकार से भीरुता और आत्मविश्वासहीनता उन लोगों में झलकती है। तो ये प्रारंभिक दौर से मैं अन्य राज्य सरकारों से अनुरोध करूँगा कि हिंदी तो सभी भारतीयों को सिखाई दी जानी चाहिए, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान विशेषज्ञों ने दिया तो ये मानकर दिया कि बड़ी, सबसे बड़ी संख्या देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं से बहुत बड़ी संख्या आज नहीं, 1947 से पहले बोली जाती थी। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, यदि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हिंदी का बड़ा लोकप्रिय प्रदेश है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वालों को प्रातःकालीन सभा मुबारकबाद, साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा उन साथियों को। वहाँ का कम पढ़े लिखा आदमी भी बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेता है, तो तरह की भाषा उन राज्यों में नहीं पाई जाती। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि वहाँ सामान्य जो दुकानदार व्यक्ति, सामान्य अन्य सामान्य खेती बाड़ी या दूसरे जो आम, मतलब सामान्य आम पेशे से करने वाले व्यक्ति, मैं किसी बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, किसी अधिकारी की बात नहीं कर रहा,
आम जन में वहाँ हिंदी बड़ी प्रचलित है, इसलिए उत्तर प्रदेश साधुवाद का पत्थर है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और बल देने के लिए। और हमारे यहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश विश्व पीछे नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। कि मुझे पता है बहुत सी परीक्षाओं में पहले वहाँ भी मांग उठती थी, जैसे दक्षिण के राज्य हिंदी का विरोध करते, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजी का विरोध होता था, और समय समय पर सरकारों ने अंग्रेजी को हतोत्साहित किया। राजस्थान मध्य प्रदेश की सरकार ने भी प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ बच्चे परेशानी महसूस करते थे, तो उन्होंने अंग्रेजी को कहीं भी आड़े नहीं आने दिया, चयन के लिए हिंदी का बोल। मैं अंग्रेजी की ये फिर कह रहा हूँ कि अंग्रेजी के प्रति नफरत नहीं, लगा सिखाना, लगाव तो बना रहेगा, हिंदी के प्रति हमारी राष्ट्रभाषा है, परंतु हमें सीखनी है मॉडर्न लैंग्वेज सीखनी है। मैं पहले कहा कि जापानी सीखें, चीनी सीखें और फ्रेंच सीखें, रशियन सीखें, सीखना बुरी बात नहीं है। भाषा सीखना आपके ज्ञान के को प्रसार देती है, आपके ज्ञान को समृद्ध बनाती है। तो मैं भाषाओं के खिलाफ़ नहीं हूँ। आज मैं थोड़ा सा आजकल हमारे बच्चों में अंग्रेजी का खौफ ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो इधर हमारी उत्तर भारत की पट्टी है, या हिंदी की समझ एक आम बच्चों के लिए घरों में, सुबह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हिंदी बोलते और सुनते, तो हिंदी की या कोई झिझक नहीं है, बहुत लगाव है और प्यार से बोल लेते हैं। परंतु अब धीरे धीरे मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सिखाने पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, मैं उनमें कहूँगा कि वो अंग्रेजी का भूत भी ख़त्म तब होगा, तब हम अंग्रेजी पर भी एक प्रकार से कब्जा कर लेंगे। एट होम, मैं आज ये कहना चाहूँगा, एट होम का मतलब घर नहीं, एट होम का मतलब ये प्रवीणता प्राप्त कर लेना, दक्षता प्राप्त कर लेना। मैं कुछ हिंदी की लाइनों को ट्रांसलेट करूँगा, सिखाने का प्रयास करूँगा, ताकि अंग्रेजी भी दो नंबर की भाषा जैसी मानी थी, दूसरे स्थान की भाषा, दूसरे दर्जे पर, तो इतना ज़रूर हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो बिल्कुल सिरोधारी है, उससे हमारा लगाव, आत्मिक लगाव बना रहेगा। हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि हम हिंदी को पालें पोसें। यदि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, वो भी वहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार करें, हिंदी को प्रोत्साहित करें। और कई जगह है भी, दक्षिण में कुछ भाइयों ने बड़ा अच्छा किया है कि हिंदी प्रचार सभा कर्नाटक जैसे राज्यों में कार्य कर रही है, और उससे हिंदी को वहाँ प्रचार प्रसार हिंदी का हुआ भी। तो मैं आज कुछ सेंटेंसेस जो है वो बता रहा हूँ। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा वरदान है, हेल्थ इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। डियर स्टूडेंट्स, इससे लैंग्वेज की तैयारी के साथ साथ एक आपका अच्छा पैराग्राफ या एसे भी तैयार हो रहा है, और जो इंटरव्यू देने जाते हैं जो कैंडिडेट्स सरकारी प्राइवेट क्षेत्र के लिए, वहाँ ये चीज़ें बहुत काम आती हैं कि आप कमेंट 5 लाइन्स, कमेंट 10 लाइन्स ऑन द टाइटल हेल्थ। तो मैं हेल्थ पर पहले डाल रहा हूँ प्रकाश। हेल्थ इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा वरदान है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ होता है, वह इस वरदान की कदर नहीं करता। सो लॉन्ग एज ए मैन इज हेल्दी, ही डज नॉट वैल्यू दिस ब्लेसिंग। मैंने कहा है, जब तक व्यक्ति स्वस्थ होता है, सो लॉन्ग एज ए मैन इज हेल्दी, ही डज नॉट वैल्यू दिस ब्लेसिंग। जब तक व्यक्ति स्वस्थ होता है, वह इस वरदान की कदर नहीं करता है। कहते ना, जब तक प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ आसानी से सुलभ हो जाती है, तो उसकी कदर कम होती है। वही बात ये यहाँ कही है पैराग्राफ में, कि जब तक व्यक्ति स्वस्थ होता है, तो स्वास्थ्य का मूल्य का पता नहीं होता, कदर नहीं करता। जब उसे कहा जाता है ये मत करो, ये करने का स्वास्थ्य गिर सकता है, तो वो उस चीज़ की परवाह नहीं करता और कम सुनने का प्रयास करता है। अगला सेंटेंस है, जिस घड़ी वह जरा सा भी अस्वस्थ होता है, उसे इसके महत्व का एहसास हो जाता है। द मोमेंट ही इज स्लाइटली इनडिस्पोज्ड, ही रियलाइजेज इट्स इम्पोर्टेंस। क्या कहा? जिस घड़ी
वह जरा सा भी अस्वस्थ होता है द मोमेंट ही इज स्लाइटली इनडिस्पोज्ड ही रियलाइजेज इट्स इम्पोर्टेंस। हाँ, ये बहुत अच्छा कहा कि जब वो थोड़ा सा भी अस्वस्थ होता है, जरा सा भी अस्वस्थ होता है, उसे इसके महत्व का एहसास हो जाता है, स्वास्थ्य के महत्व का पता लग जाता है। इफ देयर इज एनी ट्रबल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी द होल बॉडी इज अफेक्टेड। ये जो तीसरी लाइन है, तीसरी जो पंक्ति है, अगर शरीर के किसी भी भाग में कोई समस्या हो तो समूचा शरीर प्रभावित हो जाता है। इफ देयर इज एनी ट्रबल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी द होल बॉडी इज अफेक्टेड। यदि शरीर के किसी भी भाग में कोई समस्या हो, इफ देयर इज एनी ट्रबल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी द होल बॉडी इज अफेक्टेड, तो समूचा शरीर प्रभावित होता है। यदि आप अपनी सेहत गंवा बैठते हैं, ये इफ हाँ ये कहा जाए, यदि आप अच्छी सेहत रखते हैं, गंवाने से पहले ये बात बता दूँ, यदि आप अच्छी सेहत रखते हैं तो खाने पीने चलने तक काम करने का आनंद ले सकते हैं। क्या कहा गया है पैराग्राफ में, यदि आप अच्छी सेहत रखते हैं, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इफ़ यू आर इन साउंड हेल्थ, यदि आप अच्छी सेहत रखते हैं, इफ़ यू आर इन साउंड हेल्थ, तो आप हर एक चीज यानी खाने पीने चलने तक काम करने का आनंद ले सकते हैं। यू कैन इन्जॉय ईटिंग वॉकिंग एंड वर्किंग। क्या कहा, यदि आप अच्छी सेहत रखते हैं, इफ़ यू आर इन गुड हेल्थ, यू कैन इन्जॉय ईटिंग वॉकिंग एंड वर्किंग, तो खाने पीने चलने तथा काम करने का आनंद आप ले सकते हैं। आगे है, यदि आप अपनी सेहत गंवा बैठते हैं, इफ़ यू लूज योर हेल्थ, यदि आप अपनी सेहत गंवा बैठते हैं, इफ़ यू लूज योर हेल्थ, तो आप हर एक चीज़ में स्वाद गंवा बैठते हैं। इफ़ यू लूज योर हेल्थ देन यू लूज टेस्ट फॉर एवरी थिंग। ये बताया है कि यदि आप अपनी सेहत गंवा बैठते हैं तो आप हर एक चीज़ में स्वाद गंवा बैठते हैं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इफ़ यू लूज योर हेल्थ देन यू लूज टेस्ट फॉर एवरी थिंग। आगे है, वे लोग जो अक्सर बीमार रहते हैं, दोज पीपुल हु आर ऑफन इल मेक लाइफ ए न्यूसेंस नॉट ओनली फॉर देयर रिलेटिव्स बट एल्सो फॉर देमसेल्व्स। क्या बताएं, वे लोग जो अक्सर बीमार रहते हैं, दोज हु आर ऑफन इल, वे लोग जो अक्सर बीमार रहते हैं, दोज हु आर ऑफन इल मेक लाइफ ए न्यूसेंस, अपना जीवन दुहर बना लेते हैं। न्यूसेंस क्या होता है, दुहर बनाना। नॉट ओनली फॉर देयर रिलेटिव्स, न सिर्फ अपने संबंधियों के लिए, नॉट ओनली फॉर देयर रिलेटिव्स बट ऑल्सो फॉर देमसेल्व्स, अपितु स्वयं के लिए भी। आगे की जो पंक्ति पढ़ूंगे, शारीरिक रोग के अलावा इन्हें दवाइयों पर भी बहुत खर्च करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एलिमेंट, शारीरिक रोग के अलावा, अपार्ट अलावा, सिवाय इसके सिवाय, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एलिमेंट दे हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑन मेडिसिन। शारीरिक रोग के अलावा उन्हें दवाइयों पर भी बहुत खर्च करना पड़ता है। एन एलिंग पर्सन इज इनफैक्ट मोर डेड देन अलाइव, एक रोगी व्यक्ति वास्तव में, एन एलिंग पर्सन इज इनफैक्ट मोर डेड देन अलाइव, एक रोगी व्यक्ति वास्तव में जीवित से कहीं अधिक मृत समान होता है। एन एलिंग पर्सन इज इनफैक्ट मोर डेड देन अलाइव, एक बीमार व्यक्ति जीवित से कहीं अधिक
मृत समान होता है। मैं इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों फिर दोहराऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ सिक्स क्लासेस से लेकर अपर क्लासेस तक, और विशेष रूप से सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य की बात, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कहते हैं। स्वास्थ्य जाने के बाद उसको खड़ा करना, उसको पटरी पर लाना किसी डॉक्टर के वश की बात नहीं है। सिर्फ चैन दिया जाता है गोलियों के सहारे, दवाइयों के सहारे, बातों के सहारे। अमर सिंह सिंगापुर ले गए, और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ के, हिंदुस्तान के, भारत माता की, ये जो रईस बेटे जो अपने आप को मैंने पहले भी कहा था, 2 करोड़ जो भारतीय, ये भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं से इतर विदेश में भी इनको ले जाते हैं, कहते हैं वहाँ बड़ी उच्च स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यही कहते हैं, और ये जाते भी वहाँ, परंतु वहाँ से भी इनकी लाशें आई हैं। चाहे पीरामल हो, चाहे अमर सिंह हो, और भी अभी आपने पिछले दिन देखा बहुत से केंद्रीय मंत्रियों का बहुत छोटी आयु में जो देहांत हुआ है, कई केंद्रीय मंत्रियों का। इन लोगों को अमेरिका और इंग्लैंड की चिकित्सा लेने से कोई परहेज नहीं है, और भारत सरकार ने इनके लिए धन की भी भारी भरकम व्यवस्था भी कर रखी है, वो भी पता है। और दूसरे लोग भी बहुत होते हैं जो इनके मैं सेवक कहूँगा मदद के लिए, इनके लिए पता नहीं हमारे भारत माता के तड़पते बच्चों के लिए तो कोई आगे आए या ना आए, परंतु इनके सेवक बहुत होते हैं कि उसने दान दिया है, उसने सहयोग किया है, इस तरह बातें चलती रहती हैं। चलो वो अलग बात है, परंतु मैं आज भारतीय जनता को एक विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य संदेश देना चाहता हूँ, ये मैसेज टू हेल्थ। आज मैं बच्चों को ये भी कहना चाहता हूँ कि मीठा खाने का कम प्रचलन पालें, तली हुई चीज़ों का कम चलन हो तो अच्छा है, जीभ का स्वाद त्यागना पड़ेगा। तली हुई चीज़ें लीवर को कमज़ोर करती हैं, उनका पाचन जटिल होता है, कब्ज जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है, और कब्ज शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। मीठा जो खाना, शुगर जिसे बोलते हैं, किसी रूप में खाया जाए, मिठाई के रूप में, दूसरे रूप में, शुगर दांत और आंत को कमज़ोर करता है। मैं आज बच्चों को ये बात विशेष रूप से बताऊँगा, बड़ों से पहले बच्चों को, कि आप बच्चों मीठा खाने से नफरत करें, कम से कम खाने का प्रयास करें। इससे आपके दांत आंत के साथ साथ शुगर जैसी बीमारियां हमारे भारत माता की धरती पर नहीं रहेंगी, और आपके दांत भी 100 साल तक चलेंगे। कीड़े लगना, आंतों का कमज़ोर होना, पुराने अनपढ़ लोग, उन्होंने ना MBBS कर रखा था ना MD कर रखा था, मुझे याद है बुजुर्ग लोग हमें बचपन में कहते थे कि मीठा खाओगे तो कमज़ोर बनोगे, और खट्टा या कड़वा उदाहरण भी देते थे। ऐसी बहुत सी प्राकृतिक वनस्पतियां, सब्जी, फल जो जंगल में मिलते थे, वो कहते थे कि इनको खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, और आप ऊँट और चित्ते के समान धावक बन जाएंगे। तो आज मैं ये कहूँगा कि आप अभी से मीठा खाने का ज़्यादा शौक न पालें, ज़्यादातर सलाद खाएं, कच्ची सब्जी खाएं, दही खाएं, लस्सी पिएं। यानी मैं ये कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य प्रति सचेत हो जाएं, कितने बजे सोएं, कितने बजे उठें। और जो युवा हैं वो बुरे व्यसन बहुत से हैं, वो तो एकदम नहीं सुधर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि नशा आदमी को मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर बना देता है, दृढ़ता का अभाव पैदा कर देता है। परंतु मैं छोटे बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि अंडर 20 जो बच्चे हैं उनसे मैं बहुत अपेक्षाएं पाले बैठा हूँ, उनसे मैं ये आशा कर रहा हूँ कि समाज, देश और अपने परिवारों को वो बच्चे एक नया मॉडल देंगे। ये मुझे पूर्ण आशा है, और उन बच्चों में बदलाव भी है। तो आप स्वास्थ्य प्रति बहुत सचेत रहें, मीठा कम से कम खाएं, और नशीली चीज़ों के आदि जिंदगी में कभी नहीं बने। यदि आप एक बार बन गए, छात्रावासीय जीवन की बड़ी समस्याएं आ रही हैं। वहाँ एक प्राचार्य महोदय मुझे बता रहे थे कि मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, और
शिवम रहते हुए हमें वो भाषा बोलनी पड़ती है जो अनुकूल नहीं है। उन्होंने बताया कि हॉस्टल छात्रावासी जीवन बड़ी दुविधा पैदा कर रहा है। छात्रावास बच्चों को छोड़ना एक तरह मजबूरी है अभिभावकों की, जो दूर दराज के संस्थानों में, और छात्रावासी जीवन में एक बहुत गंदी बात जो पल बढ़ रही है कि एक ही बच्चा 500 बच्चों को स्पॉइल करने का मादा रखता है। कहते हैं गंदगी जल्दी फैलती है। 500 बच्चों का, उनका 30-35 वर्ष का अनुभव था हॉस्टल वार्डन रहने का। उन्होंने कहा कि बड़ी दुख की बात है कि जो बच्चा बहुत अच्छा जीवन जीता, वो शिक्षण संस्थान उसके लिए विषैली संस्थान का काम करती है, जहर का काम करती है, और उसको जीवन को नारकीय बना देती है। उसकी जो उपाधि ली थी उसने, वो उपाधि से कहीं यदि को खो बैठता है, कई गुणा खो बैठता है। तो मैं ये भी कहूँगा बच्चों से कि समाज में जो बहुत कम संख्या में छोटे जो विषैले बच्चे तैयार हो रहे हैं, विषैले बम कहना चाहिए उनको, तो आप उनसे बचें, उनसे दूर रहें, उनकी गिरफ्त में न आए। यदि इस यौवन अवस्था को अगर आपने एक बार पार कर लिया, इस दहलीज को 20 साल के को स्वस्थ बच्चे के रूप में, फिर आप में विकार नहीं आएंगे। आप में परिपक्वता आ जाती है, आप में अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है, अच्छे बुरे व्यक्ति को पहचाना जाता है। तो मैं विशेष रूप से बच्चों से आह्वान करूँगा कि वो बुरे बच्चों से दूर रहें, बुरी संगति से दूर रहें, और अभिभावकों से कहूँगा कि छात्रावासी जीवन को ज़्यादा बढ़ावा ना दें। विशेष रूप से जो बच्चे विदेश में जो रहकर आए विदेशी ज़िंदगी में, उनके बारे में तो एक दिन एक आचार्य बता रहे थे कि इनकी ज़िंदगी का अगर ढर्रा तो आप देख लोगे तो आप दंग रह जाओगे, आप सोच नहीं पाओगे, दांतों तले अंगुली दबाओगे कि इनमें जितने विकार होते हैं, लगभग विकार इनके अंदर आ चुके हैं ज़्यादातर में। उन्होंने कहा कि मैं किसी एक आदमी की नहीं कहता जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से वहाँ पला बढ़ा हो, उसी परिवेश में रहा हो, परंतु यदि इंग्लिश कल्चर में अगर कोई रहा है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि इनको कुछ पता नहीं, महज एक पशु बन जाते हैं वहाँ बच्चे। रिश्ते नाते मर्यादाएँ, सांस्कृतिक मर्यादाएँ, सामाजिक मर्यादाएँ वहाँ कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ आनंद कैसे आता है एक शब्द सीखा जाता है। हमारे कहते हैं आचरण की शुद्धि के लिए तप करें। हम आनंद की ज़्यादा पक्षधर नहीं है हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति मान और मर्यादा के पक्षधर है, जप और तप के पक्षधर है कि लोग जप करें, ईश्वर का स्मरण करें, ताकि उनमें अच्छाई आए, मन में एकाग्रता आए, लोग योग करें। आजकल भारत 21 जून को जो विश्व योग दिवस घोषित किया गया है, इसके लिए मैं रामदेव जैसे भाइयों को भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने प्रयास किया है, भारत सरकार ने किया है, और उन्होंने अभी लेटेस्ट प्रयास किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बाकी हमारे ऋषि महात्माओं ने, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बड़ी जो योग का चलन तुम्हारे बहुत पहले से है, और हमारे आम नागरिक भी योग में आस्था रखता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों का हो सकता है पटल पर मार्केटिंग के क्षेत्र में आने से नाम ज़्यादा चढ़ गया, बाकी यहाँ बहुत योगी लोग, अपने शरीर के साधने वालों का अभाव नहीं है। बचपन में भाई साहब कामटी जो ट्रेनिंग सेंटर आर्मी का फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे वहाँ, हमें अब भी याद है कि सिर के बल काफ़ी दूर चलते थे और हम भी प्रयास करते थे। तो हमारे यहाँ योगशालाओं की कोई कमी नहीं रही है, और संस्कृत का जब तक पठन पाठन रहा, गुरुकुलों का चलन जब तक रहा, तो इसमें कोई दोराय नहीं है, उन लोगों ने योग पर शुरू से ही बल दिया। ज्ञान सरस्वती जी के आर्य समाज के जो अनुयायी थे, उनकी योग में बड़ी आस्था रही है। तो मैं ये कहूँगा कि स्वास्थ्य के लिए आपके शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ कि सभी भारतीय स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए एक अभियान भी चलाएं। अभियान कोई सड़कों पर आकर मैं नहीं कह रहा हूँ, घर में कि हम क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कब जगें, कब सोएं। कहते गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली, अंग्रेजी को आते जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, ये स्वास्थ्य मंत्र है। ये देरी से सोना और देरी से उठना, गो लेट इन बेड एंड गेट अप लेट, ये दोनों चीज़ें जो हैं, देरी से जगना, देरी से जो उठना सोना और जो जगने वाली प्रथा है, इसे त्यागा जाए। अपने जीवन का हिस्सा गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली इसको बनाएं,
और मैं एक बार लास्ट में फिर हिंदी और इंग्लिश, जो मैंने कहा था मेरा जो एक लक्ष्य स्वास्थ्य संदेश के साथ साथ बच्चों को परीक्षा के लाभ के दृष्टिगत जो पैराग्राफ सेंड कर रहा हूँ उसको पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों को किसी शिक्षक का आश्रित न होना पड़े और एक एक शिक्षा उनको लाभ दे, इस आशा के साथ मैं इसको तैयार कर रहा हूँ वीडियो को। हेल्थ टाइटल है, हेल्थ इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का महत्व। हेल्थ इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, सो लॉन्ग एज ए मैन इज हेल्दी ही डज नॉट वैल्यू दिस ब्लेसिंग। द मोमेंट ही इज स्लाइटली इंडिस्पोज्ड ही रियलाइजेज इट्स इम्पोर्टेंस। इफ देयर इज एनी ट्रबल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी द होल बॉडी इज इफेक्टेड। इफ यू आर इन साउंड हेल्थ यू कैन इंजॉय ईटिंग वॉकिंग एंड वर्किंग। इफ यू लॉज योर हेल्थ देन यू लॉज टेस्ट फॉर एवरीथिंग। दोज आर ऑफन इल मेक लाइफ ए न्यूसेंस नॉट ओनली फॉर देयर रिलेटिव्स बट ऑल्सो फॉर देमसेल्व्स। अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एलिमेंट दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन मेडिसिन। एन एलिंग पर्सन इज इनफैक्ट मोर डेड देन अलाइव। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा वरदान है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ होता है वही इस वरदान की कदर नहीं करता। जिस घड़ी वह जरा सा भी अस्वस्थ होता है उसे इसके महत्व का एहसास हो जाता है। अगर शरीर के किसी भाग में कोई समस्या हो तो समूचा शरीर प्रभावित हो जाता है। यदि आप अच्छी सेहत रखते हैं तो खाने पीने चलने तक काम करने का आनंद ले सकते हैं। यदि आप अपनी सेहत गंवा बैठते हैं तो आप हर एक चीज़ में स्वाद और रुचि गंवा बैठते हैं। वे लोग जो अक्सर बीमार रहते हैं वे जीवन दुभर बना लेते हैं, न सिर्फ अपने संबंधियों के लिए अपितु स्वयं के लिए भी। शारीरिक रोग के अलावा उन्हें दवाइयों पर भी बहुत खर्च करना पड़ता है। एक रोगी व्यक्ति वास्तव में जीवित से कहीं अधिक मृत समान होता है। धन्यवाद।